होने की तरकीब शास्त्र कहते हैं। जो श्रद्धालु है तो श्रद्धा के रस से उसके स्वास्थ्य में मदद मिलती है। जो ईर्ष्या रहित है, क्रोध रहित है, दोष दृष्टि रहित है, अहिंसक है, कपट रहित है, वो दीर्घायु भोगता है। जो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, कपट करता है, अश्रद्धालु है, दुराचारी है, उसकी आयु क्षीण होती है। वाणी के 5 दोष हैं और 5 गुण हैं। आप गुणमय वाणी का उच्चारण किए, मधुर वाणी पुण्य देगी। मधुर हो, प्रिय हो, सत्य वाणी हो, आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी। दूसरे के गुणों की और भगवान के गुण से आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी। शुभ कर्म करता वो को प्रोत्साहन देना, आप वाणी प्रभावशाली बनेगी। सार वचन जो आप समझते हैं, जैसे समझते वैसे ही बोलोगे, आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। भगवान और संतों के चरित्रों का वर्णन, आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। झूठ, निंदा, कठोर वचन, व्यर्थ की चर्चा अथवा अपनी सराहना करोगे तो इन 5 दोषों से आपकी वाणी का प्रभाव क्षीण हो जाएगा। अपनी प्रशंसा नाना, व्यर्थ की चर्चा नाना, कठोर वचन, निंदा अथवा झूठ अथवा आदेशात्मक वचन, नहीं कर दे, नहीं ये कर दे, नहीं ये करें। अपन वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए, और वो शीतल करे आप हूँ शीतल होए। 5 प्रकार के पाप कहे शास्त्र ने। पराये धन को हड़पने की इच्छा एक पाप, दूसरे का अनिष्ट चिंतन दूसरा पाप, आपके मन को मलिन करेगा। संसार के भोगों की तृष्णा ये तीसरा पाप, उसके अवांतर कई होते हैं, क्रोध है चौथा पाप, और अहंकार करता है ये मैंने किया। लेकिन ऐसे पाप हो गए, चिंता न करो। नाम अखिल अग पुंज न सावत, भगवान का नाम अखिल अघमना पापों को नाश कराने वाला है। तो 10-12 प्राणायाम, भ्रूण हत्या, गर्भपात, महापाप। कई लोग पूछते कि हो गया हमें पता नहीं था, अब गर्भपात कराया उसके पाप से बचने का कोई उपाय शास्त्रों में से मिल गया है हमको। गर्भपात जो हो गया है तो अभी तो कोई नहीं कराएगा, लेकिन जो हो गया है 10 जन्म तक निसंतान होकर बिलखना पड़े, और गर्भपात कराई हुई महिला के हाथ से भोजन साधु खाए तो साधु की साधना नष्ट हो जाए, इतना बड़ा भारी पाप कहा गया। तो उस पाप का प्रायश्चित क्या है, ऐसा नारायण ने मेरे को बताया कि लोग पूछते हैं, और शास्त्रों से मिल गया है उपाय। 2 दिन पहले गर्भपात से जो पाप लगा उस पाप का प्रायश्चित 16 प्राणायाम विधिवत 1 महीने तक करें, और दोबारा ये पाप नहीं करूंगा भगवान की शरण, तो भगवान की कृपा और प्राणायाम की तपस्या उस गर्भ भ्रूण हत्या के पाप को छू कर देगी। हृदय में शांति, खुशी और घर में प्रसन्नता आएगी। आत्महत्या का पाप महापाप है, कोई आत्महत्या सोचता है तभी पाप है। जीवन रसायन पुस्तक लेना चाहिए, आत्महत्या के विचार आते तो जीवन रसायन पुस्तक पढ़ना चाहिए, उसमें बताए हुए अनुसार सुबह 10-5 मिनट हरि ओम ओम के गुंजन करना चाहिए, ये हलकट विचार भाग जाएंगे। कोई मर गया है तो उसका शोक हो रहा है, चिंता हो रही, मंगलमय जीवन मृत्यु पढ़ो, उसको अर्घ्य दे दो, जो मर गया उसको सत्प्रेरणा दो, और आप मरे हुए व्यक्ति के पीछे अपने चित्त के दोषों को दूर करो। लेकिन कोई आत्महत्या करके मरा है तो शास्त्र कहते हैं उसके शव को कंधा देने से भी पाप लगता है, उसको अग्निदान देने वाले को भी पाप लगता है, और घर की बरकत चली जाती है। जो आत्महत्या करके मरा है उसको उसका उत्तर क्रिया अर्थात पिंडदान अथवा तो 12वां या 3रा नहीं करना चाहिए।
आत्महत्या भयंकर पाप है। किसी ने कर लिए तो उसके चंडाल के द्वारा उसके शव को घसीटवा के गांव के बाहर फेंकवा दो, गीद और सियार खाएं। उसके लिए उत्तर क्रिया कुछ ना करो, उसकी सदगति के लिए कुछ ना करो। इतना बड़ा भारी पाप कहा गया है, इसलिए आत्महत्या का विचार भी ना आए, और आए तो विचार मन को आए इसमें मेरा क्या। रसायन जीवन रसायन पुस्तक पढ़ो, आप ऊंचे विचार में चले आओ। 10 वस्तु दीर्घ आयुष्य देने वाली है आयुर्वेदिक के हिसाब से, उन 10 का सेवन करने वाला लॉन्ग लाइफ जीता है। गाय का दूध, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय का दूध। गाय को गो क्यों कहते हैं? सूर्य की हजारों किरणें हैं, उसमें से 3 मुख्य हैं, जीवनी शक्ति, दाहक शक्ति और गो शक्ति। दाहक शक्ति और जीवनी शक्ति से तो तुम हम जी रहे हैं और काम चल रहा है। गो शक्ति गाय की रीढ़ के साथ जो नाड़ी है वो गो शक्ति को शोषित करती, और वो गो शक्ति वाली नाड़ी सूर्य की जो गो शक्ति है उसको शोषित करती है, सूर्य की तो नाड़ी, इसलिए उस प्राणी को गौ कहा। उस गाय के दूध में सुवर्ण क्षार पाए जाते जो एंटीबायोटिक का काम करते हैं। गाय के गोबर में और गाय के मूत्र में वह सूर्य नाड़ी के प्रभाव से एंटीबायोटिक तत्व पाए गए, इसलिए गौमूत्र 50 ग्राम पीने को मिल जाए और बदले में अशर्फी देनी पड़ी तो देकर सुबह सुबह 50 ग्राम गौमूत्र पिए। किडनी की तकलीफें, मोटापे की तकलीफें, लीवर की तकलीफें, पेट की खराबियां, बहुत सारी खराबियां ठीक हो जाएगी। अब कौन गाय के पीछे कटोरा लेके घूमेगा कि कब वो सीटी मारती। इसलिए अपनी 5000 गाय है गौशाला में, और वो किस समय सीटी मारती, कुछ ग्वाल रखे गए इकट्ठा करने का, उनको पैसा देते और फिर उसमें विधि करके उसका अर्क बनाते, सूक्ष्म बोतलों में भरकर साधकों तक पहुंचाती समितियां। तो 30 मिलीग्राम गोअर्क 20-30 जैसी अपनी आवश्यकता, और थोड़ा पानी डालकर पीने से वे फायदे मिलते हैं। और जिनका दारू नहीं छूटता वे भी गोअर्क पीकर दारू का चस्का ले लेते और दारू से सदा बच जाते और पेट का मोटापा कंट्रोल हो जाता, और कई बीमारियों से बचे हुए लोग आपको मिल सकते। जिनको गोअर्क से फायदे हुए हैं वे हाथ ऊपर करो, अब गिन लो कितने लोगों को फायदे हुए। मेरे को भी हुए। तो ये सूर्य की नाड़ी का फायदा उठाने वाली गाय, सूर्य के किरण का फायदा उठाने वाली गाय की नाड़ी, और उस गाय की नाड़ी का फायदा उठाने की बुद्धि मनुष्य में है ना। मनुष्य से श्रेष्ठता कोई नहीं। ऐसे ही आने वाली शरद पूनम का तुम फायदा उठाना। शरद पूनम की रात का भोजन बंद, अभी से लिख दो सरसोड़े में। मैं सच कहता हूं, इसमें जरा भी रियायत मत करना। दिन को तो भोजन करना शरद पूनम को, रात्रि का भोजन बंद। क्या करोगे? चावल पका दोगे, फिर गाय का दूध मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो जो मिले। चावल पक गए करीब करीब, फिर उसमें दूध डाल दोगे, घूंट भर पानी छोड़ दोगे, एक दो उबाल आ जाए खीर बन गई। दूध सूखना नहीं चाहिए, जितना दूध डालते उतना साबित रहे। दूध वैसे ही कई कैलोरी होती है दूध में, 1-3 कटोरी खिचड़ी खाओ, 1 कटोरी दूध पियो, बराबर हो जाएगा। अगर भैंस का दूध और उबाल उबाल के पीते तो बड़ा भारी होता है, वो भविष्य में तकलीफ करेगा। रबड़ी, मावा, पनीर जिनसे दुश्मनी है उनको खिलाओ, अपने पैसे लगाकर। लाखों रुपया खर्चेगा, बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी 10-5 साल के बाद। मावा, पनीर, रबड़ी और घाटा दूध दुश्मन को पिलाओ, देख घाटा दूध है, मजा आएगा। फिर तो सजा भुगतता रहेगा।